इसराइल हमास जंग की बात करते हैं। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग तेज होती जा रही है। इसराइल बॉर्डर के बेहद करीब कफर केला में मंगलवार रात को इसराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद इलाके में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जहां हमला हुआ वहां न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है। ये पूरा इलाका जंग का मैदान अभी भी बना हुआ है। लगातार इसराइल इन्हीं इलाकों में अटैक कर रहा है और देखिए किस तरीके से अभी भी यहाँ पर धुआं उठ रहा है, आग लग रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। आपको बता दें कि लगातार एयर स्ट्राइक की गई रात, बीती रात दो बार इसराइल की तरफ से, और अब देखिए यहाँ पर अभी भी धुआं है। और काफर केला और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ इसराइल लगातार हमले कर रहा है और हिजबुल्ला भी इसराइल के ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कितनी दूर तक इस स्ट्रक्चर के परखच्चे उड़े हैं, आपको इस ज़मीन पर दिखेगा। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये इस तरह के टुकड़े अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई देंगे। पूरी तरह से बहुत बड़ा अटैक किया गया था, ये तस्वीर देख लीजिए। और बगल में ही यहाँ पर इसराइल का बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। और यहाँ आप समझिए कि अगर कोई शख्स इसके अंदर हो तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसराइल की सीमा भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से इसराइल के अंदर की तस्वीर है। तो लगातार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग तेज़ होती जा रही है और उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ अटैक काफर केला इलाके में हिजबुल्ला ने किया है।